नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स में ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा प्लेयर आपको अपने ग्रीन लीग टीम में लेकर चलना है, कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग और उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, कि पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो किसको मिलेगा। इस वीडियो में आपको मैं क्लियर बता दूंगा कि मुंबई इंडियंस का कौन सा ऐसा बैटर आज 100+ मारेगा एंड राजस्थान रॉयल्स का कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 100+ मारेगा। क्योंकि अगर कल का प्रेडिक्शन देखा जाए तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था और सारे लोग एक तरफा विनिंग किए थे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आईपीएल का 14वां मैच खेला जाएगा और इसको जीतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में आपको पूरा वीडियो को वॉच करना है और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आज का जो ड्रीम टीम होगा कौन कप्तान काम करेगा। अगर आपका सही जवाब मिल गया, अगर आप 5 लोगों को मैं आपको इस वीडियो में विनर देने वाला हूं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जिसका कमेंट सही होगा उसको आपको 100 रुपए दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो आपको 1 अप्रैल 2024 को खेला जाएगा एंड टाइम आपका होने वाला 7:30 आपका वानखेड़े मुंबई में खेला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर वानखेड़े का स्टेडियम देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि इसमें बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा। लेकिन अगर इस स्टेडियम में देखा जाए तो टोटल जो मैचेस खेला गया है इसमें 111 मैचेस खेला गया, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 50 बार जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 61 बार जीती है। लेकिन एवरेज स्कोर की बात करें तो 169 गया है और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 235 पर 1 विकेट गया है, लोवेस्ट की बात करें तो 67/10 विकेट गया है, क्योंकि इसमें सबसे लो स्कोर यही बना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है पेसर को सपोर्ट मिलता है या आपको स्पिनर को मिलता है। लेकिन अगर पेसर को देखा जाए तो 62 विकेट लिया है और 52% इसमें पेसर को विकेट मिलता है। अगर वही स्पिनर की बात करें तो इसमें 57 विकेट लिया गया है, लेकिन इसमें से 48% जो विकेट लिया गया है इसमें आपको स्पिनर लिया है। अब चलिए यहां पर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, अगर इस स्टेडियम में 5 मैचों का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो हैदराबाद पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बना था, 5 विकेट पर 20 उभरे और पेसर को 6 विकेट मिला था और मुंबई इंडियंस 201 रन बनाकर इस महामुकाबला को चेस कर गया था और स्पिनर को इसमें 1 विकेट मिला था। अगर वही दूसरा मैचेस देखेंगे तो मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए 218 रन बना था 5 विकेट पर 20 ओवर में और पेसर को 5 विकेट मिला था और गुजरात टाइटंस इस मैच को चेस नहीं कर पाया था, 191 रन ही बना पाया था 8 विकेट पर 20 ओवर में, स्पिनर को इसमें 8 विकेट मिला था। अगर वही बात करें तीसरा मैचेस तो आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए इस स्टेडियम में 199 रन 6 विकेट पर 20 ओवर में बना था और पेसर को 7 विकेट मिला था और मुंबई इंडियंस इस मैच को चेस कर गया था, क्योंकि मुंबई इंडियन बहुत अच्छे रन को भी चेस करता है और अच्छे खासे आपको पॉइंट देकर चलाएगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो अगर इन दोनों के बीच में हेड टू हेड मैचेस देखा जाए तो मुंबई इंडियंस 16 मैचेस विन करके आ रही है और राजस्थान रॉयल्स इसमें 13 मैचेस विन कर रही है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स दोनों मैचेस विन करके आ रही है और मुंबई इंडियंस इसको 2 मैचेस लॉस मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर ईशान किशन, उसके बाद रोहित शर्मा, दोनों ही आपको बैटर अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। उसके बाद नवनदीप, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डी वर्विस एंड तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड और यश मुलानी और गिरार गुटर्जी, पीयूष चावला और जसप्रीत बुमराह और के मैपाल, इसको पिछले मैच में पीड़ पड़ गई थी, ये आपको सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर के रूप में देखने को मिलेगा और डी वर्विस आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि आज का कौन सा बैटर होगा जो आज 100+ मारेगा, लास्ट के मोमेंट में आपको क्लियर बता दूंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे
तो ईशान किशन पिछले मैच में 34 रन बनाए थे और अगर वही रोहित शर्मा की बात करें तो पिछले मैच में 26 रन अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। अगर वही बात करें तो नवन धीर का तो पिछले मैच में 30 रन, उसके पिछले मैच में 20 रन का अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। वाल्ड बर्विस की बात करें तो पिछले मैच में 46 रन का, उसके बाद इन्होंने 50 रन का शानदार पारी खेला हुआ है। लेकिन अगर वही बात करें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तिलक वर्मा में तो दो मैचों से अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे, पिछले मैच में 64 रन का अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। लेकिन अगर वही बात करें हार्दिक पांड्या तो पिछले मैच में 24 रन ही बना पाए थे और बॉलिंग से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करें टीम डेविड का तो पिछले मैच में 42 रन का अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। अगर वही बात करें शम्स मुलानी का तो पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिल पाया था और दो मैचों से इनको विकेट नहीं मिल पा रहा है, तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है क्योंकि इनको ज्यादा ओवर फेंकने को नहीं मिलता है, जो बड़े बड़े प्लेयर है वही फेंकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहां पर देखेंगे जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, उसके बाद केवान मंपाल ये भी पिछले मैच में फ्लॉप गए थे और कोई भी मुंबई इंडियंस का बॉलर अच्छे खासे विकेट नहीं निकाल पाया था हैदराबाद के खिलाफ। लेकिन केदार गुटर्जी की बात करें पिछले मैच में एक विकेट लिया था और पीयूष चावला भी पिछले मैच में एक विकेट मिला था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का स्टार्टिंग बॉलिंग और डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, तो स्टार्टिंग बॉलिंग हार्दिक पांड्या, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और के ओमरपाल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, जो पिछले मैच में इनको पीठ पड़ गई थी। लेकिन यहां पर देखा जाए डेथ बॉलिंग तो जसप्रीत बुमराह, विराट गुटर्जी और केवाना अमापा का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। अगर इसमें देखा जाए तो आज का जो ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है, राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर जॉस बटलर, दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर संजू सैमसन, चौथे नंबर पर रियान पराग, जो पिछले मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे और यही कैप्टन का काम किए थे। उसके बाद सिमरन हिटमायर, जो आपको सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर में देखने को मिलेगा, उसके बाद जे डी ध्रुव, उसके बाद रविचंद्र अश्विन और आवेश खान, यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा और नांदर बर्गर, जो आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मिलेगा और ये पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे और अच्छे खासे विकेट निकाल कर दिला सकते। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जॉस बटलर पिछले मैच में 11 रन ही बना पाए थे और 3 मैचों से अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल भी पिछले मैच में 2 मैचों से फ्लॉप जा रहे हैं, इस बार अच्छे परफॉर्मेंस करके दिला सकते। लेकिन लास्ट के मोमेंट में आपको बताऊंगा कौन सा वह 11 खिलाड़ी होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है और कौन सा वह 3 लो परसेंटेज होगा जो आपको ड्रीम 11 चेंजर बनाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं संजू सैमसन पिछले मैच में 15 रन, उसके पिछले मैच में पहले मैच में इन्होंने 82 रन का शानदार पारी खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो रियान पराग पिछले मैच में 84 रन का अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे, उसके पिछले मैच में पहले मैच में इन्होंने 43 रन अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं, मिडिल ऑर्डर में इनको अपने लेकर जाना है। सिमरन हिटमायर की बात करें पिछले मैच में 14 रन ही बना पाए थे और उसके पिछले मैच में 5 रन। लेकिन ध्रुव जरूर की बात करें तो पिछले मैच में 20 रन, उसके पिछले मैच में 20 रन ही बना पाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो रविचंद्र अश्विन पिछले मैच में विकेट लेस गए थे लेकिन कुछ अच्छे खासे बैटर से परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। आवेश खान की बात करें तो पिछले मैच में एक विकेट लिए पाए थे और इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संदीप शर्मा पिछले मैच में फ्लॉप गए थे लेकिन इस बार 2 विकेट लेने वाले, इनको अपने टीम में लेकर जाना है, 100% ओप पॉइंट देने वाले। नांदर बर्गर की बात करें तो पिछले मैच में ये भी 2 विकेट लिए थे और अच्छे खासे विकेट निकाल कर दिलाए थे। लेकिन यजुवेंद्र चहल भी पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, ट्रेंट बोल्ट भी पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, लेकिन दोनों ही बॉलर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अब चलिए यहां पर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स का डेथ बॉलिंग और स्टार्टिंग बॉलिंग कौन करा सकता है, तो पहले नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद नांदरे बर्गर और रविचंद्र अश्विन कराने वाले। लेकिन डेथ बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद संदीप शर्मा और आवेश खान, जो लास्ट के मोमेंट में कराते हैं 15-20 ओवर में, यही जो 3 बॉलर होंगे अच्छे खासे विकेट निकाल कर दिला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कौन वह 3 लो परसेंटेज होगा जो आपको ड्रीम 11 चेंजर बनाएगा, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ट्रम्प कार्ड में तो सिमरन हिटमैन को लेकर जाना है, जो कम समय में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। पीयूष चावला, आवेश खान, यही जो 3 होंगे वो आपके लिए ट्रम्प कार्ड होंगे। लेकिन कप्तान एंड उप कप्तान की बात करें तो जॉस बटलर और हार्दिक पांडे और यशस्वी जायसवाल, यह 3 बैट्समैन को अपने टीम में कप्तान बना के जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए आज का की प्लेयर यानी 7 वह कौन सा खिलाड़ी होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल
शामिल करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, यशस्वी जायसवाल अपने टीम में लेकर जाना है, रोहित शर्मा और संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और जॉस बटलर, उसके बाद यजुवेंद्र चहल, या जो सात प्लेयर होंगे जो आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बनाएंगे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आज का मेरा फाइनल टीम होने वाले, इसमें मैंने ईशान किशन को ले रखा है विकेट कीपर में, उसके बाद संजू सैमसन और जॉस बटलर को ले रखा है। तीनों ही विकेट कीपर आपको अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। लेकिन बैटर की बात करें तो इसमें मैंने तिलक वर्मा को ले रखा है और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को ले रखा है। इस बार मैंने वाइस कैप्टन बना के रखा है रोहित शर्मा को। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो रियान पराग एंड हार्दिक पांड्या को ले रखा है, जो अच्छे खासे विकेट और बॉलिंग से अच्छे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं, बैटर से भी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं। उसके बाद विराट गुटर्जी एंड जसप्रीत बुमराह को इस बार मैंने कैप्टन बना के रखा, क्योंकि अगर दो से तीन विकेट ले लेते तो एक कैप्टन का काम कर देंगे। उसके बाद यजुवेंद्र चहल को मैंने ले रखा है, क्योंकि स्पिनर अच्छे खासे विकेट निकालकर दिला सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें कोई भी चेंजेज होता है, अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है, तो सबसे पहले आपको करना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना पड़ेगा, वहां पर सबसे यूनिक सबसे अलग तरीके से टीम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।